पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का अमेरिकी दौरा। इस दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करने की बात कही है। इस पर एक बड़ा बवाल मचा। भारत में तो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी ही, साथ ही साथ अमेरिका में भी राजनीति में भूचाल आ गया। देखिए एक रिपोर्ट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका के दौरे पर गए। इस बीच वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान कश्मीर के विषय पर सवालों वाली फिक्सिंग की गई। इसी फिक्सिंग में दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति फंस गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कश्मीर पर एक बहुत ही विवादित बयान दिया। बातों बातों में उन्होंने इमरान खान से ओसाका में G20 समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई उनकी मुलाकात का जिक्र कर दिया। ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के मुद्दे पर उनसे मध्यस्थता करने की बात कही थी। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद भारत में राजनीतिक भूचाल आ गया। विपक्षी पार्टियां देश के प्रधानमंत्री से सफाई मांगने लगी। हालांकि विदेश मंत्रालय और खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से ना तो ऐसी कोई बात कही और ना ही डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर के विषय पर मध्यस्थ बनने का अनुरोध किया। अब डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी से भारत के विपक्ष को प्रधानमंत्री पर हमला करने का मौका मिल गया है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका में कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप की आपत्तिजनक टिप्पणी को एम्बैरेसिंग कहा जा रहा है। ऐसे लोगों में अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य ब्रैंड शेयरमैन शामिल है, जिन्होंने ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका में भारत के राजदूत से माफी मांगी है और साफ कह दिया है कि जो लोग दक्षिण एशिया के विदेशी नीति को समझते हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि कश्मीर के विषय पर भारत ने हमेशा से ही किसी तीसरी पार्टी की मध्यस्थता से इनकार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसी टिप्पणी कभी कर ही नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप को कश्मीर विवाद का ज्ञान नहीं है। उनकी टिप्पणी न सिर्फ भ्रमित करने वाली है, बल्कि ट्रंप ने ऐसी बात कहकर अमेरिका को शर्मिंदा कर दिया है। अब ट्रंप के इस बयान के बाद उन्हीं के देश में उनकी किरकिरी हो रही है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो विवादित बयान दिया, उस पर वे खुद ही फंस गए और अब विपक्ष को भी प्रधानमंत्री पर लगातार निशाना साधने का मौका मिल गया है। हालांकि अमेरिकी सांसदों ने इस मामले पर माफी जरूर मांगी है, लेकिन एक बड़े मुद्दे को यहां पर उछाल दिया गया। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं।